नमस्कार। कक्षा 11 में और अपने हैं डे 70 में चैप्टर संख्या 6 चल रहा कार्य ऊर्जा और शक्ति, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने संरक्षी बल और असंरक्षी बल दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं संरक्षी बल क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल क्या है, फिर दूसरी बात करेंगे असंरक्षी बल क्या है। देखो संरक्षी बल क्या होते हैं, जिनमें किसी भी कण को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाएं तो उस पे हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। अगर ये जो कार्य है ये इस पथ पर निर्भर नहीं करें तो इस पे लगने वाला बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। पथ पर निर्भर नहीं करें इसका मतलब ये है कि हम ए से बी तक हमें जाना है, हम चाहे इधर से चले जाएं, चाहे हम इधर से चले जाएं, और किसी को ज्यादा ही घूम के जाने की आदत होती है तो वो इधर से घूम के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या रहे, बल का जो मान है वो अगर समान रहे तो बल का जो मान है वो बराबर रहे प्रत्येक स्थिति में, तो ऐसा बल क्या कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, निर्भर किस बात पे कर रहा है, ऐसा बल किस बात पे निर्भर कर रहे हैं, जहां से चला है और जहां पहुंचा है, बस उन स्थितियों पर निर्भर करता है। ये बात को ध्यान रखना, संरक्षी बल हमेशा उन स्थितियों पर निर्भर करता है जहां से किसी कण को विस्थापित करना प्रारंभ किया गया है और जहां तक उसको लेके जाया गया है। क्लियर, ये कह सकते हैं किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल कहते हैं, और वो उस पथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा कह सकते हैं हम कि ऐसा बल जो किसी कण को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो कण के पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल किस पर निर्भर करता है, कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, संरक्षी बल। दूसरा ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में किया गया जो कुल कार्य होता है वो पूर्ण चक्कर के दौरान, पूर्ण चक्कर का मतलब है कि कण यहां से चला, यहां पहुंचा किसी भी रास्ते से ए से बी, पूरा चक्कर कब होगा, जब वो वापस आ जाएगा, जब वो वापस उसी बिंदु पे आ जाएगा तो चक्कर क्या होगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। आए वो किधर से दूसरे, कोई दिक्कत नहीं है, इधर से आए तो जहां से चला वहां पहुंच गया वापस, एक चक्कर हो गया ना। तो दूसरी बात ये कह सकते हैं संपूर्ण चक्कर के दौरान यदि कार्य का मान क्या है, कार्य का मान जीरो क्यों है, कि अगर जाने में पॉजिटिव हुआ तो आने में अपोजिट आ रहे ना, हो गया नेगेटिव। ए से बी केवल किस पे निर्भर करता है, ये स्थितियों पे निर्भर करता है, दूसरी बात ये कह सकते हो। ठीक है, अगर समझ में, तो ये जो बल होगा, इस प्रकार के जो बल होंगे आरोपित बल जिनके द्वारा ये कार्य हो रहा है वो बल क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल। इनके उदाहरण पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संरक्षी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो संरक्षी बल है। दूसरी बात, स्प्रिंग में जो बल कार्य करता है स्प्रिंग में, वो भी क्या है, संरक्षी बल है। ठीक है, अब दूसरी बात, दो इसको दो तरह से डिफाइन कर दिया, आप ये सबसे शॉर्ट में ये परिभाषा बता सकते हो, किसी कण पर आरोपित बल के कारण उसके संपूर्ण चक्कर में यदि किया गया कार्य शून्य तो उस पर कार्य बल संरक्षी बल। दूसरी बात, हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो कार्य का जो मान है वो केवल उनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करे, उस पथ पर निर्भर नहीं करे। बस ये बार लाइन आपको लिखनी जरूरी है इसके अंदर कि पथ पर निर्भर नहीं करे, तो ऐसे बल क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल कहलाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है असंरक्षी बल की, असंरक्षी बल क्या है, असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाए, जिनके जो पथ पर निर्भर करते हैं, जो पथ पर निर्भर करते हैं, यानी जिनके लिए अगर एक से दूसरे बिंदु पर जाए, दूसरे से पहले पर आए तो कुल कार्य जीरो नहीं होता, इसमें जीरो होता ना, उसमें कुल कार्य जीरो नहीं होता, तो ऐसे बल क्या कहलाएंगे, ऐसे बल असंरक्षी बल कहलाएंगे। और इनके जो एग्जांपल है वो घर्षण बल, इसका एग्जांपल है।
शान बल इसका एग्जांपल है। इनके बारे में, घर्षण बल के बारे में हमने पढ़ लिया, शान बल के बारे में सेकंड बुक में पढ़ेंगे तभी बात करेंगे डिटेल से। द्रव पदार्थ में कार्य करता है। तो दोबारा एक बार और डिफाइन कर लेते हैं इसको, आपको शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखना है, वे बल जिनके द्वारा किसी कण को विस्थापित किया जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो किया गया कार्य उसके कण के पथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे बल संरक्षी बल कहलाते हैं। ऐसे इस प्रकार से संपूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य शून्य निकलेंगे। दूसरी बात यहाँ से निकलेंगे अपने कि जिनमें पूर्ण चक्र के दौरान किया गया कार्य शून्य नहीं होता है असंरक्षी बल कहलाते हैं। ये तो बात हो गई संरक्षी बल और असंरक्षी बल की। एक बात और कर लेते हैं इसके साथ ही, वो है शक्ति। छोटा सा टॉपिक है शक्ति। हमने वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ ली, अब क्या पढ़ रहे हैं पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर। देखो ऊर्जा और शक्ति अलग अलग बातें होती हैं। पी से लिखते हैं पावर को, पहला वर्ड पी है। तो ऊर्जा और शक्ति अलग अलग होती है। ऊर्जा हमने लिख लिया कार्य करने की कुल क्षमता, कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है, आदमी कुल कितना कार्य कर सकता है वो उसकी एनर्जी है, चाहे वो धीरे करें चाहे वो बैठ बैठ के करें। इसके मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको बिल्कुल सिंपल सा। शक्ति क्या होती है, सिंपल हम डिफाइन तो कर देते हैं और हमें याद भी रहती है ये दसवीं क्लास से, कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और दर हमेशा किसके सापेक्ष होती है, समय के सापेक्ष होती है। दर हमेशा दर का मतलब होता है परिवर्तन। दर का मतलब है ठीक है। और कार्य में कितना परिवर्तन, यानी कार्य कितना हो रहा है, किसकी दर है ये कार्य करने, तो दर का वर्ड ध्यान रखिए। हम पहले यूज कर चुके हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, क्या होती है, त्वरण होती है ठीक है, त्वरण होती है ना। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित भारी बल के समानुपाती होती है, होती है न्यूटन का दूसरा नियम। ये पांचवे पार्ट में हमने पढ़ा था पहले, साथ साथ रिवाइज कर लिया दोनों को। तो F is equal to dp upon dt। तो हमने जहां वर्ड यूज किया ना, दर वर्ड यूज किया। दर वर्ड का मतलब होता है परिवर्तन किसी वैल्यू के सापेक्ष। नॉर्मली जो परिवर्तन है वो यहाँ सारे किसके सापेक्ष लेते हैं, हम समय के सापेक्ष। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, हर जगह अप्लाई भी होता है, हर जगह परिवर्तन समय के सापेक्ष ऐसा नहीं है। कुछ जगह परिवर्तन जो होते हैं वो दूरी के सापेक्ष भी रहते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे। अभी नॉर्मली जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सारे परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में। विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो सारे समय के रिस्पेक्ट में। तो इसकी डिफाइन, इसको जो डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन की दर, कार्य में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। इसको कोई ऐसे लिख दे तो भी गलत नहीं है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी ऐसे लिख दे तो भी सही है, क्लियर। नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है। इसके यूनिट निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट क्या आएगी, कार्य की यूनिट क्या होती है जूल, और समय की क्या होती है सेकंड। और रियल में इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड ठीक है। जहां वैज्ञानिकों के नाम आ जाते हैं ना, वहां हमें क्या होता है बीमाई निकालने में दिक्कत आ जाती है। इसलिए आप हर चीज को रिलेट करके ध्यान रखें। अगर हमें ये पता है जूल पर सेकंड, अब इसकी बीमा निकालनी है तो बीमा हमें डब्ल्यू की पता नहीं है, जूल की बीमा, जूल तो क्या है वैज्ञानिक का नाम है जूल। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे W, W क्या कार्य है, कार्य की हमें नहीं याद है, याद है तो आप डायरेक्ट लिख दो ML to T minus 2, नहीं पता है तो आप कार्य के लिए क्या यूज करो, बल गुणा विस्थापन। पता है कब बल गुणा विस्थापन होता है, बल्कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए ध्यान रखो बल की, ML T minus 2 नहीं ध्यान रहती है तो भी उसकी भी दिक्कत नहीं है, हम F बराबर MA से निकाल सकते हैं। F बराबर MA होता है ना, ये क्या होता है त्वरण होता है। तो इसकी बात हम पहले कर चुके हैं बीमाओं में अच्छी तरह से। जब भी कोई भी टॉपिक आता है, टॉपिक में हम ये बात करते हैं, आप जो भी टॉपिक आता है उसके साथ उसकी बीमाएं जरूर निकाला करें, जरूर ठीक है। अब इसका मात्रक की बात कर रहे थे, मात्रक है जूल पर सेकंड, लेकिन इसके लिए मात्रक क्या यूज करते हैं, वाट यूज करते हैं, वाट। अब पहले मैं एक अंतर बता देता हूँ आपको, कार्य में और शक्ति में, फिर इसकी एक दो मात्रक और है उनकी और बात कर लेंगे। कार्य में और शक्ति में, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, इसका मात्रक क्या होता है वाट। कार्य क्या होते हैं, कुल जो ऊर्जा जो है, कार्य का मतलब ऊर्जा,
तो ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की कुल क्षमता होती है ऊर्जा, और शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। दर का मतलब इसको ये कह सकते हैं इकाई समय में कार्य करने कितना कार्य होगा, इकाई समय एक सेकंड में कितना काम होगा वो बताता है शक्ति, ठीक है। कुल कार्य कितना होगा वो बताता है ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल कि यहां रख दी जाए 100 ईंटे, कितनी ईंटे 100, ठीक है, और दो जनों को कह दिया जाए कि इनको उठा के वहां लैब तक लेके जाना, क्या तक लैब तक, तो क्या होगा, दो अलग अलग 100 ईंटे रख दी, 100 इधर और 100 इधर, दो अलग अलग दो व्यक्तियों को लगा दिया वहां से। अब एक ने तो क्या है 5 मिनट में 50 ईंटे रख दी, कितनी 5 मिनट में 50, दूसरे ने 5 मिनट में रखी है 10 ईंटे, ठीक है। तो शक्ति किसकी ज्यादा है, शक्ति किसकी ज्यादा है, जिसने पहला व्यक्ति ए है उसने 5 मिनट में रखी है कितनी 50 ईंट, दूसरे व्यक्ति बी है जिसने 5 मिनट में रखी है, तो कार्य करने की दर किसकी ज्यादा है, स्पीड किसकी ज्यादा है, तो इसकी तो शक्ति ज्यादा है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई है, ये 50 ईंट रख के यहाँ बैठ गया, ये अब नहीं ले अब, लेकिन ये अभी भी क्या कर रहा है, लिख रहा है। फिर उसने फिर अगले 5 मिनट में 10 और रख दी, फिर अगले 5 मिनट 10 और रख दी, फिर थोड़ी देर रुक गया, फिर अगले 5 मिनट में फिर उसने 10 रख दी, फिर आधे घंटे बाद फिर 10 रख दी, और इस तरह से उसने कितनी रख दी 50 रख दी, और ये और फिर बाद में ऐसे करते 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 पूरी कितनी रख दी 100 की 100 ईंट उसने पहुंचा दी एक घंटे में या डेढ़ घंटे में या दो घंटे में, ठीक है, दो घंटे में। इसने 50 ईंट रख दी थी 5 मिनट में, अब ये बैठ गया, अब इसको चाहिए नींबू पानी, ORS, ग्लूकोज, अब इसे उठा नहीं जा रहा। तो ऊर्जा किसकी ज्यादा है, बी, क्यों, काम किया किसने ज्यादा, किसने किया काम, जिसने काम ज्यादा किया उसकी ऊर्जा ज्यादा है। इसने काम पहले देर शुरू में जिसने देखा होगा वो तो क्या कहेगा, ये बहुत मेहनत याद है, बाद में पता चला होगा कि जितने की ईंटे नहीं है उतने की तो दवाइयां दिला दी, जितने की ईंटे नहीं है उससे ज्यादा की तो दवाइयां ला के देनी पड़ गई। तो ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, शक्ति इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा महत्वपूर्ण, ठीक है, शक्ति भी है, लेकिन शक्ति और ऊर्जा में डिफरेंस हमें ध्यान रखना क्या है, कि शक्ति का मतलब होता है कि किस स्पीड से काम हो रहा है उसको कहते हैं शक्ति, ऊर्जा का मतलब है कितना काम हो रहा है उसको कहते हैं ऊर्जा, जितना काम होता है वो ऊर्जा, और जिस स्पीड से काम होता है वो होती है शक्ति, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये तो हो गया है इसका वात्रक, अब इसकी बीमा की बात कर लें, बीमा आप निकाल लें तो खुद ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी बीमा कार्य की बीमा होती है बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन डायरेक्ट याद है, अगर आपको जो डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट यूज कर लो, और ये समय है ही, तो बल की बीमा क्या होती है MLT-2 और विस्थापन की L और समय की T, M as it is L into L, L की पावर 2, T की पावर माइनस 2 है, T की पावर 1 ऊपर जाएगी माइनस 1, तो कितनी होगी माइनस की 3, और ये हो गया ऐसे, ठीक है। मात्र हॉर्स पावर भी होता है HP, जो मोटर घरों में यूज करते हैं मार्केट में लेने जाते हैं तो वाट में नहीं आती, वो किस में आती है, किसमें आती है HP में आती है, 1 HP की, आधे HP की, थोड़े घर की छत पे पानी पहुंचाना है तो आधे HP की काम चल जाता है, लेकिन कुएं से पानी निकालना है, नीचे से बोरिंग से निकालना है, तो उसके लिए बड़ी मोटर की जरूरत पड़ती है, 1.5 HP की, 2 HP की, 3 HP की, इस तरह से आती है। जहाँ बोरिंग बहुत ही गहराई में है, 700-800 फीट पानी है, तो वहाँ और भी हैवी मोटर की जरूरत रहती है, वो सारी HP में। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर, हॉर्स, हॉर्स क्या होता है, घोड़ा, तो घोड़े की शक्ति कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं अश्व शक्ति, ठीक है, क्या कहते हैं, शॉर्ट में पूछा जाता है एक नंबर में इक्वेशन, अश्व शक्ति। और इंग्लिश में नॉर्मली हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं डेली रूटीन में, इसको बोलते हैं HP, HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, घोड़े की शक्ति, तो वो किसके बराबर होती है 746 वाट के बराबर होती है, किसके, ये भी आपको ध्यान रखना है, 746 वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ लें, और अगली क्लास में इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है संघर्ष टक्कर।
अब हम करेंगे टक्करें संकट, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वैसे भी काम आता है सब्जेक्ट।